नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे, ऑप्शन के डेटा समझेंगे। उसके बाद हम लोग हर रोज की तरह चार्ट को रीड करेंगे, चार्ट को एनालिसिस करेंगे, चार्ट को समझेंगे कि चार्ट किस तरीके से मूवमेंट आने वाला, कल के समय किस तरीके से जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए वाला एरिया यहाँ पर है। ठीक है, हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम आएगा इस तरीके से, इस तरीके से इंपल्सिव एंड करेक्टिव, इंपल्सिव एंड करेक्टिव। ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से इस तरीके से आया, करेक्टिव वेव आया है, इंपल्सिव को बहुत छोटा है, उसके आते ही से ये मार्केट आपके से निकल रहा है जो है, इस हाई को ब्रेक करते हुए इस तरीके से जा रहा है, मतलब कि एक मार्केट का यहाँ पर छोटा टेम्परेचर में बुलिश जो है ट्रेंड यहाँ पर जो है दर्शा रहा है। मतलब कि हर बार यहाँ पर कनेक्शन लेने के बाद जो है पिछला लोग को रिस्पेक्ट दे रहा है, जब इंपल्सिव ले जा रहा है तो पिछला हाई को यहाँ पर ब्रेक करते हुए आपके से निकल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट के पास यहाँ पर खड़ा है जो कि 790 का लेवल है। कल के समय भी यहाँ पर हैवी कॉल रेटिंग किया गया था, मार्केट का सेंटीमेंट टोटल क्या बेरिश है। ठीक है, अगर इस एरिया में जाकर के यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसन बनता है और इस लो को अगर नीचे की ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के सेट इंटरेस्ट होंगे, सेल ऑन राइज के स्टेप पर काम करेंगे, और 1:2 का हम लोग यहाँ पर रेशियो रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कल वीडियो नहीं देखा हुआ तो देख लेना जाकर के, अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल। हम कल इसी तरीके से डिसाइड किए थे, अगर या फिर यहाँ पर डाइवर्जन बनते हुए दिखता है तो हम यहाँ पर सेल के ट्रेड का प्लान करेंगे और नीचे सेट सेल ऑन राइज के स्टेप पर काम करेंगे। ठीक है, या कन्फर्मेशन अगर देखिए आज हम ट्रेड नहीं कर पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम था इसकी वजह से। ठीक है, चार्ट को हम देखें, मार्केट के देखें, वॉच के पूरा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था इसलिए हम आज जो ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ से देखिए कि इस एरिया के नीचे निकला, कितना हमने रिटेस्ट किया, यहाँ मार्केट की जाते फॉल देखने को मिला, यही आपको यहाँ तरह स्टॉप लॉस रहता तो 1:1:2 से कुछ कम, 1:2 से यहाँ पर कम देखने को मिलता, 1:1 का जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को तगड़ा मिलता है। या फिर आप एंट्री यहाँ बनाते तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते थे, आपके जैसे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से सेटअप के अनुसार आपका स्टॉप लॉस यही बनता, यही वाला जो इसका हाई है, जो डे हाई था, यही आपका स्टॉप लॉस बनता। इसके नीचे आपको जो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, और सेकंड ट्रेड जो है यहाँ पर थोड़ा सा बनते हुए इस तरीके से यहाँ से दिख रहा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो नहीं किया। देखिए डाइवर्जन फॉलो किया, डाइवर्जन भी दिखाएंगे तो डाइवर्जन यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस एरिया में हम लोग क्या डिसाइड किए थे, इसलिए हम डिसाइड किए थे कि यहाँ पर कुछ डाइवर्जन बनते हुए दिखता है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर फॉलो कर रहा है, अगर इस हाई को ब्रेक ना करके अगर इस लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल के साइड इंटरेस्ट होंगे। यहाँ पर देखिए डाइवर्जन कितना खतरनाक यहाँ पर बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये है प्राइस, यहाँ पर इस हाई को प्राइस डाइवर्जन देखिए यहाँ पर हाई बता रहा है, और प्राइस इस पिछला हाई को यहाँ पर प्रीवियस डे का जो डे हाई था यहाँ पर जो है इस हाई को ब्रेक किया, और डाइवर्जन इस हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। डाइवर्जन ये बताता है कि मार्केट में बहुत बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर सेल हो चुका है, प्राइस अपर के सेट जा करके अपर के सेट सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ पर सेलर अवेलेबल है, इसके लिए वह प्राइस वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर मार्केट को खींच करके नीचे सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर आपको जो है सेलिंग का प्लान करना था, डाइवर्जन का सेटम था। ठीक है, एक ट्रेलिंग रेजिस्टेंस के पास मरना था, एक ग्राउंड फिगर नंबर था 890 का, मार्केट के सेंटीमेंट पूरा टोटल बेरिश है, मतलब 3-4 कन्फर्मेशन यहाँ पर था और आपको सेलिंग का प्लान करना था। ठीक है, एक ही ट्रेड करना था, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता अगर ट्रेड का प्लान करते, आज हम ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक है, देखेंगे अगर देखेंगे ये फॉर्म क्रिएट नहीं करना है कि आज ट्रेड नहीं कर पाए तो जाकर के यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में जाकर घुस जाएँ, बिटकॉइन में जाकर घुस जाएँ, औंधी पौधी करके ट्रेड करके लॉस करके निकल जाएँ, तो सब चीज़ जो है करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि किस तरीके से हमको जो है कल के सेशन में ट्रेड का प्लान करना है। उससे पहले हम लोग यहाँ चार्ट को यहाँ पर समझेंगे, डेटा समझेंगे, तो उसके बाद हम लोग चार्ट को रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कल के सेशन में किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, ऑप्शन चेन का अगर डेटा यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, तो देखिए ये पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है, 810 पे, 820 पे, हर स्टैक प्राइस पे, देखिए 800 पे लगभग यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी पर बेचा गया है, 7 लाख 8 लाख क्वांटिटी 790 पर बेचा गया है, 780 पर बेचा गया, मतलब हैवी यहाँ पर जो है कॉल को राइट करके, देखिए डीप इन द मनी में यहाँ पर जो है शॉर्ट किया जा रहा है, 750 के लेवल पे कॉल को बेचा गया है 1.5 लाख क्वांटिटी। ठीक है, 1.5 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो 750 के लेवल पर बेचा गया है। ठीक है, तो सबका माइंडसेट यहाँ पर बेरिश है, सबका माइंडसेट बेरिश है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर बैठे थे पुट वाले जो बैठे थे सब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग किए हैं, सब यहाँ से निकलने की कोशिश किए, मार्केट कितना नीचे अपर के सेट खुल करके नीचे के सेट गिरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन निकाल रहे हैं,
और भी क्वांटिटी में 70,000 क्वांटिटी, 28,000, 60,000 से क्वांटिटी यहाँ से सभी लोग निकाल करके यहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल सबको यहाँ पर जो है लॉस में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं फूड सेलर। ठीक है, मिला जुला करके डेटा यहाँ पर टोटल अभी बेरिश बता रहा है, तो हम मार्केट के सेंटीमेंट भी बेरिश है, मतलब कि डेटा हम लोग को जो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, डेटा हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट भी बेरिश है, तो हम लोग क्या ढूंढना है कि अपना जो स्ट्रेटेजी है, अगर कोई रजिस्टेंस पर जाकर के अगर वहाँ पर एक्टिव होता है सेल के साइड, अगर ट्रेड एक्टिव होता है, तो हम लोग आँख बंद करके सीधा हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे और प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस को हम लोग वहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब चलिए चार्ट को हम लोग समझते हैं कि चार्ट को किस तरीके से रीड करना है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ चार्ट में कुछ अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए सेलर का दबदबा किस तरीके से बना है, बायर का दबदबा किस तरीके से बना है। ठीक है, जब चीज़ को हटाते नहीं है क्योंकि दोबारा फिर ड्रॉ करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि इस एरिया से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। ठीक है, फिर 770 के लेवल से यहाँ पर से बाइंग आया है, ये वाला जो है बाइंग पंच है ये वाला। ठीक है, और अपर के सेट गया है फिबोनाची, अगर ड्रॉ करेंगे इस एरिया से लगा करके इस एरिया तक, तो 50% के लेवल 790 का ही लेवल है। ठीक है, और जो सेलर यहाँ पर बैठे थे उस सेलर जो है यहाँ पर भी एक्टिव हो गए 790 के लेवल पे। ठीक है, 7 लाख क्वांटिटी जो है आज यहाँ पर बेचा गया है, तो कहीं ना कहीं 7 लाख क्वांटिटी यहाँ पर कोई बाय करके यहाँ से बायर गए हैं और वो लोग फिर से आज जो है चक्कर में फंस गए हैं। ठीक है, चक्कर में कौन फंसे हैं, ये जो 800 के लेवल पे जो ऑप्शन बाइंग किए होंगे, ठीक है, 810 पे जो ऑप्शन बाइंग किए होंगे, 890 पे जो ऑप्शन बाइंग, 790 पर जो ऑप्शन बाइंग किए होंगे इस एरिया में। ठीक है, तो वही लोग पोजीशन को जो है एवरेज करते हुए अभी निकल रहे हैं, बहुत बड़ा लोगों को लॉस देखने को मिलेगा। ऑप्शन बायर इतना खतरनाक बर्बाद हो जाएंगे ना, मार्केट देखिए मार्केट के सेंटीमेंट, ये वाला जो रेड कैंडल है ना, ये वाला रेड कैंडल मार्केट को ऊपर उठने नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए ये है बायर का, ये है बायर का डंडी। ठीक है, यहाँ से बायर पुश किया है और यहाँ से सेलर पुश किया है। ठीक है, तो मतलब ये वाला 790 का एरिया और 780 का एरिया, ये बहुत 770 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेंज बन चुका है। इसके नीचे निकलता बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिलेगा और इसके ऊपर निकलता तो एक मोमेंटम आपके सेट आपको देखने को जरूर मिलेगा, जो कि होगा करेक्शन या फिर आप मोमेंटम वहाँ से जो है ट्रेंड को यहाँ पर चेंज करते हुए आपको दिखेगा बड़ा टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब चलिए चलता है, चलते हैं सीधा छोटा टाइम फ्रेम में और किस तरीके से हमको जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, दिखाते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन बायर किस तरीके से यहाँ पर फंसे पड़े हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे, ठीक है, इस एरिया में जो बाइंग करके गए होंगे, यहाँ पर इस एरिया में जो बाइंग किए हैं 790 के लेवल पे, जो इस एरिया जो यहाँ पर लॉस दिख रहा था, कल आज मार्केट गैप अप खुला तो सबको लगा मार्केट यहाँ से मोमेंटम आपके सेट देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर पोजीशन को एवरेज किया गया है और यहाँ पर पोजीशन को बाइंग करके गए हैं ऑप्शन बायर, और वही लोग जो है यहाँ पर पॉइंट व्यू पर 7 लाख क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। ठीक है, मार्केट में अगर आप बाइंग करते हैं तो कोई आपको बेचता है, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आप किसी को बेचते हैं, जब तक आपको खरीदने वाला नहीं रहेगा तब तक आपको बेच नहीं सकते हैं, जब तक कोई बेचने वाला नहीं रहेगा तब तक आप खरीद नहीं सकते हैं, बस इतना मान कर चलो, अभी आप चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा, मार्केट में यही चीज़ होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये वाला है टेलन रेजिस्टेंस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर सेलर यहाँ पर दबदबा बना रहे हैं, ये वाला जो स्विंग आया है, ठीक है, यहाँ पर गया पिछला स्विंग को ब्रेक नहीं किया, फिर से नीचे क्रिएट किया, फिर से यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव किया, मतलब कि इस ट्रेंड के बाद जब भी मार्केट जा रहा है यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और नीचे देखेंगे जब भी इस ट्रेंड के पास नीचे आ रहा है बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी बायर एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो मिला जुला करके देखेंगे ये है सेलर का दबदबा और ये वाला 780 का लेवल बायर का दबदबा। ठीक है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट, तो अच्छा ठीक है, ये वाला जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से जो है सेलर दबदबा बायर दबदबा बनाया है, यहाँ से सेलर इस एरिया को मार करके रखना है और इस एरिया को मार करके रखना है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में रिस्क लेंगे, अदरवाइज हम रिस्क लेने के लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जो कि 790 के लिए, यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से नीचे से पड़ सकता है। ठीक है, अगर इस एरिया के नीचे निकल निकलता है तो यहाँ पर हम लोग फुल क्वांटिटी यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, अगर थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर होल्ड करके कल अगर हमारे नीचे से निकलता है तो यहाँ पर जो है फुल क्वांटिटी हम यहाँ पर रेट का प्लान करेंगे। ठीक है, ये वाला है, अब देखते हैं कि कल के समय किस तरीके से हमको जो ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ है, देखिए ट्रेंड यहाँ पर बता रहा है कि ये वाला जो है सेलर का एरिया है। ठीक है, और ये वाला जो है बायर का एरिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा जो है इस एरिया नीचे निकलता है तो जो सेलिंग का प्लान करना है और इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग का प्लान हमको एकदम नहीं करना, हमको इस एरिया ढूंढना है, 790 के पास पहुँचता है तो हम लोग को जो है सेलिंग का प्लान करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सब चीज़ को जो ट्रेंड यहाँ पर जो है ड्रॉ, इसको डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं,
ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कंफ्यूज यहाँ पर ना लगे, चार्ट को ज़्यादातर हम लोग को जो है साफ करके चलना है। ओके, अब सिंपल से क्या करना है, सिंपल से थ्योरी है, डेटा क्या बता रहा है, बेरिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, डेटा के अनुसार, डेटा बेरिस है, चार्ट पुलिस है, चार्ट बेरिस है, मार्केट की सेंटिमेंट पूरा बेरिस है, ठीक है। जब तक 700-800 के नीचे मार्केट है, तब तक यहाँ पर सेलर के हाथ पूरा दबदबा बैठा है, ठीक है। अब देखिए कल के समय किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, एक यहाँ पर छोटा टेलियन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे छोटा टेलियन, इस टेलियन को काफ़ी तक हद तक यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया 5 मिनट के टेम्पर पे, ठीक है। अब देखिए कल के समय किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है, मार्केट अगर अपना पूरे भी क्या रहेगा, मार्केट अगर कल इसी जोन में खुलता है, इसी जोन में खुल करके अगर इस एरिया में पहुँच करके अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, बुलिश प्राइसिंग बनाता है छोटा टेम्पर में, अगर यहाँ पर कुछ अपना डाइवर्जिंग ट्रेड यहाँ पर एक्टिव होता है, तो हम लोग यहाँ पर बैंक कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। और ए वाला जो सेलिंग जोन है 788-790 का एरिया, इस एरिया तक हम लोग यहाँ पर जो है टारगेट रखेंगे, ठीक है। अगर देखेंगे कि इस एरिया में खुल करके मार्केट अगर इस हाई को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके अगर नीचे से ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग से ट्रेड प्लान करेंगे और सेल ऑन राइज के स्टेप पर काम करके 770 तक का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है, तो गैप अप में हम लोग यहाँ पर बेरिश पैटर्न ढूंढेंगे, या फिर गैप डाउन खुलता है, हम लोग उसी तरीके से नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेस्ट को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ इस पॉइंट पर खुलता है, तो हम लोग यहाँ पर एक करेक्शन का वेट करेंगे, करेक्शन लेने के बाद अगर यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसन बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सेलिंग का प्लान करेंगे, सेल ऑन राइज के हिस्ट्री पर काम करेंगे। सिंपल सी थ्योरी है कि आपको अपना सेटअप, अपना स्ट्रेटजी पर बिलीव करना है, मार्केट किधर भी जाए, हायर पॉइंट गिर जाए, हायर पॉइंट चल जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। एक ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर वो चीज़ आप में नहीं, तो ट्रेडर नहीं बन सकते हो। वही होता है डिसिप्लिन, वही तो डिसिप्लिन मार्केट में जो है सीखने के लिए, कैंडल स्टिक, फलाना ढिमका, चार पैटर्न टोकरी के अभाव में बिक रहा है, वो सब चीज़ कोई भी कर सकता है, लेकिन जो चीज़ उसको समझेगा, वही उसको जो है उस पर अमल कर पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सीखिए और समझिए।